ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया, क्या मुसीबतें हैं यहाँ पे? दिक्कत ये है कि ये पहले बात तो ये कोरोना के जो मारामारी चल रही है उस टाइम पे यहाँ पे लोग अलग अलग आ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये 1+2 बना है, और वो भी इतनी पुरानी दीवार जो 30-35 साल पुरानी दीवार है उसी पे बिना रेनोवेट के कुछ भी काम, अभी भी देखो कितने सारे क्रैक्स है, उसी पे 3 मंजिला बना है, और बाजू में और एक काम चालू है उसी बिल्डर का, वही सब उसी का घर का, और एक 3 माले का ये लोग बना रहे विदाउट कोई रेनोवेशन के, बिना कोई एंगल वगैरह डाले, सब कुछ उन लोगों ने ऐसे ही इलीगल तरीके से बनाया, और हम लोगों ने ये सब कंप्लेंट भी किया है हम लोगों ने ACP DCP ऑफिस में और तहसीलदार में, नगर पालिका में, नगर सेवक को, किसी को शिकायत? हाँ, उनको भी सबको किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमको कि थोड़े दिनों में हो जाएगा। अच्छा, आसपास में रहने वालों को किस तरीके की दिक्कतें हो सकती है? सबको यही परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चे और आने जाने में तकलीफ हो रही है, इतना बड़ा है, लोगों ने जो काम किया है, कल को आज गिरेगा कल गिरेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, ये तो चले जाएंगे बना के, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके ऊपर गिर गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो सब या उनका जिम्मेदार कौन है? जिनका घर बन रहा है या वो है मकान मालिक या फिर वो कहाँ के रहवासी, कहाँ रहते हैं वो? कुछ आइडिया नहीं है, इनको आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, कुछ इतना ज़्यादा किसी को इंक्वायरी ये नहीं है कि वो कौन है क्या है, बस इतनी है कि ये लोग पता नहीं इतने लोग रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और अभी अभी भी कहीं भाड़े पे रह रहे हैं वो लोग, तो बोल रहे कि अभी 2 ये बनाएंगे और यहीं पे रहेंगे। सर, हमको ये दिक्कत है, हम लोग यहाँ 40 साल से रहे, जब से मैं इस गली में शादी करके आई इधर ही हैं, ये दीवार बहुत झूनी है, बहुत झूनी से झूनी है, जो लोग पहले रहते थे हम लोग उनको जानते हैं, ये लोग नए हैं, इन्होंने ऊपर जो बनवाया है 3 मारा है, और हमारा आने जाने का रास्ता सब इधर से है, देखो कभी भी अनहोनी हो सकती है, देखो भविष्य तो पूछ कर आता नहीं है, इसको देखते हुए आप जो भी अच्छा समझे वो करिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।